द्वारा डायल किया गया नंबर अभी नेटवर्क क्षेत्र से बाहर है। ये नंबर तो अभी तक नॉट रीचेबल है। आखिर ये हरकत हो किसकी सकती है? प्रेमाई, आराम से। अर्जुन भाई, नहीं पता चल पा रहा जिस नंबर से प्रेम भाई को कॉल आया था वो नंबर किसका है। लगता है बिना आईडी प्रूफ के किसी ने नंबर निकलवाया होगा। प्रेम, किसकी इतनी औकात हो गई कि हमारे परिवार पर हाथ डालने की कोशिश करे? प्रेम भाई को इस तरह फोन करके फंसाने की कोशिश करे? पर प्रेम भाई क्या ऐसे करने की हिम्मत कर कौन सकता है? प्रेम, प्रेम क्या, प्रेम क्या? मैं तुम तीनों से पूछ रहा हूं, आप सुन गया क्या? प्रेम के बारे में क्या बात कर रहे हो? बड़े पापा, वो जन्माष्टमी इवेंट की तैयारियां चल रही है ना, तो प्रेम भाई ने दिन और रात एक किया हुआ है ताकि कोई भी कसर ना छूट जाए। तो वो सप्लायर है ना, टेबल और चेयर वाला, वो खामखा प्रेम भाई को स्ट्रेस दे रहा है, तो बस उसी चक्कर में बात कर रहे थे। और ये तो अच्छी खबर है, प्रेम ने अपनी जिम्मेदारी सीख ली। बस माता जी ऐसे ही कृपा बनाए रखना। क्या हुआ बड़े पापा, आपकी तबीयत तो ठीक है ना? क्या होने वाला है मेरी तबीयत को भाई? हा? ये उम्र में तो ये सब चलते रहता है। चिंता नहीं करो, ठीक छू। इकरा, अब तक तो ठीक नहीं था, अब ठीक हो गया हूं। तू आ गई है ना, अब मुझे हॉस्पिटल में रहने की जरूरत नहीं, हम हमारे घर चलते हैं। देखिए, अभी हम इन्हें डिस्चार्ज नहीं कर सकते, ये अभी काफी कमजोर है। हे डॉक्टर साहब, मोटा भाई की ताकत आ गई है, अब वो खुद ब खुद ठीक हो जाएंगे। आपको वो डिस्चार्ज कागज लिख दीजिए, है ना? ओके। काका, मैं तो घबरा गई थी। वो आ गई है ना बेटा, मैं ठीक हो जाऊंगा। चलो घर चलते हैं। काका, अब आप घर जा रहे हैं ना, तो आपको अपना पूरा ख्याल रखना होगा। जैसा डॉक्टर ने कहा है, दवाई टाइम पर लेंगे, फ्रूट्स सूप सब पिएंगे। मैं फिर आके आपसे मिलती हूँ। एक मिनट बेटा, तू कहाँ जा रही है?